रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम स्टोरी कर रहे हैं द स्ट्रेंज कैटल, अजीबो गरीब कैटल, और उसकी कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन से पता चलेगा हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, आपने इस स्टोरी को कितना समझा है। तो पहले वोकैबलरी जो है, आपको पता है ज़खीरा अल्फाज को कहते हैं, और अगर आप अपनी वोकैबलरी बढ़ाना चाहते हैं तो लिसनिंग की आदत अपनाएं, रीडिंग की, स्पीकिंग की और राइटिंग की, जो भी नया लफ्ज देखें उसको सुने, फिर उसको पढ़ें, उसको बोलें और फिर उसको लिख कर याद करें। तो ये वर्ड मीनिंग है, लेफ्ट साइड पे वर्ड्स हैं और राइट साइड पे उनके मीनिंग लिखे हुए हैं। आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, पहले खुद से ये एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद इसका देखते हैं। जैसे ड्रॉप का मीनिंग होता है फॉल बाय एक्सीडेंट, अमेज्ड, मेक सम बॉडी सरप्राइज, किसी को हैरान कर देना, सफर, अ लाइट मील ईटन इन द इवनिंग, ब्रास, शाइनी येलो मेटल और मील फूड ईटन एट वन टाइम। नाउ वर्किंग विद वर्ड्स, फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये 5 वर्ड्स हैं। अब पहला जुमला है द पुअर मैन वॉज वर्किंग हार्ड टू अर्न हिज, जो भी आदमी मेहनत करता है वो किस लिए करता है, अपनी रोटी कमाने के लिए। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। और एक वक्त का खाना जो है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मील। द पुअर मैन वॉज वर्किंग हार्ड टू अर्न हिज मील। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द चाइल्ड वॉज डैश टू फाइंड अ न्यू टॉय कार, के बच्चा जो है वो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। इन 5 वर्ड्स में से अमेज्ड, खुश हुआ, द चाइल्ड वॉज अमेज्ड टू फाइंड अ न्यू टॉय कार, जब बच्चे ने, आप देखें उसके चेहरे से भी खुशी टपक रही है। द स्टूडेंट डैश अ हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर्स, आप अपने बैग को जब उठाते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज शुरू यूज होता है, शाबाश सोचें, आप कहते हैं कैरी, और कैरिड पास्ट सेंटेंस है। द स्टूडेंट कैरिड अ हैवी बैग, हैवी भारी को कहते हैं शोल्डर्स, कंधे। आई यूजली मिस माई डैश इन द इवनिंग, अभी हम पढ़ के आए हैं कि इवनिंग मील जो होता है उसको क्या कहते हैं, शाबाश, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई यूजली मिस माई सपर इन द इवनिंग, मिस छोड़ देना, सपर लाइट मील और जो इवनिंग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे डैश फेल इन द मिडल ऑफ द रोड, आपको पता है कि कोई भी बंदा जानबूझ के नहीं गिरता, एक्सीडेंट हो जाता है इत्तफाक की, हादसाती तौर पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे एक्सीडेंटली फेल इन द मिडल ऑफ द रोड। आपने देखा इन सब ने हेलमेट पहने हुए हैं, आप भी जब बाइक राइड करें तो हेलमेट ज़रूर पहना करें, अगर गिरें तो चोट नहीं लगती। अब हम आगे करेंगे डबल ओ साउंड इन द वर्ड, या तो ये लॉन्ग होती हैं जैसे बूट में या शॉर्ट बुक में। तो ये है लेफ्ट साइड पे ड्रूल बूम बूट्स मून और बुक हुक फुट वुड। तो अब आप ये सेंटेंसेस देखें, फ्लावर्स ब्लूम इन माय गार्डन, तो ब्लूम खिले के लिए यूज होता है, तो इसमें लॉन्ग वॉवल्स हैं। ही लाइक्स टू ईट हार्ड फूड, फूड में भी लॉन्ग साउंड्स हैं। द वुड कटर फाउंड द ब्रास पॉट बिहाइंड द स्टंप, वुड में शॉर्ट डबल ओ साउंड्स हैं। इट वॉज कूल इन द फॉरेस्ट, कूल में भी लॉन्ग डबल ओ साउंड्स हैं। द मैन टुक द पार्ट होम, टुक में भी शॉर्ट डबल ओ साउंड्स हैं। अब आप ये करें कि सेपरेट लॉन्ग डबल ओ एंड शॉर्ट डबल ओ साउंड वर्ड्स, अभी जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनको सेपरेट करें, लॉन्ग एंड शॉर्ट डबल ओ साउंड्स में कॉलम बनाएं। तो आप देखें कि शॉर्ट वुड और टुक में आता है और लॉन्ग ब्लूम फूड और कूल में आता है। अब हमने पहले भी देखा था कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटेरोगेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो होते हैं वो फुल स्टॉप आता है और इसमें कमांड दी जाती है, और जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड पे आता है, एक्साइटमेंट और फीलिंग आती है, जैसे What a wonderful cattle is, अब आप देखें कि इसमें एंड एक्सक्लेमेशन मार्क हो रहा है। He looked surprised, इसमें इमोशंस हैं कि वो अपने चेहरे से हैरान लग रहा है। Look into the cattle, कैटल के अंदर देखो, ये कमांड है, रिक्वेस्ट है। तो उसके बाद है put meal into the cattle, कैटल के अंदर खाना डालो, ये भी कमांड है।
और द ब्रास केटल हैड अनयूजुअल पावर्स, तो ये एक अजीब बात कही गई है। तो अब आपने सेपरेट एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को अलहदा करें। तो एक्सक्लेमेटरी में वंडरफुल केटल है, सरप्राइज्ड और अनयूजुअल पावर्स, और इम्पेरेटिव में पुट मील इन द केटल एंड लुक इनटू द केटल। तो प्यारे बच्चों, आप जब भी क्लासरूम में हों तो अपने पाँव भी साकिन रखने, आपने अपने हाथ भी किसी को टच नहीं करना, आप पूरी तवज्जो से सुनने वाले, देखने वाले और आप खामोश रहने वाले हों, क्योंकि इलम और अदब, किसी की पहचान इलम से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इलम तो इबलीस के पास भी था लेकिन अदब से वो महरूम था। तो हम तो अब्दुल्ला हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हमने अल्लाह को भी मानना है, अल्लाह की भी माननी है। तो बा अदब बा नसीब, बादम होने के लिए अल्लाह से रब्ता करें, अल्लाह की किताब को पढ़ें, अल्लाह के रसूल की सुनत को फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।